इस वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का सप्लीमेंट्री का दूसरा अध्याय द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो उसके अंतर्गत जितने भी ट्रू फॉल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे हम देखेंगे इसमें। तो आप सभी प्रश्नों को हल करने के पहले उनके अर्थ को भी जान लें, क्योंकि अर्थ से ही आप सही उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न, द विक्रम संवत वाज इट ओरिजिन ऑफ विक्रमादित्य। ये विक्रम संवत का नाम है, उसका जन्म विक्रमादित्य के समय से हुआ है। ये बिल्कुल सही है, जो हिंदुओं में कैलेंडर होते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार ही देखे जाते हैं। तो इसका जन्म जो हुआ था, इसका उदय जो हुआ था, विक्रमादित्य के समय से हुआ था। ये आपका पहला वाला बिल्कुल ट्रू होगा। अगला, व्हेन द शेफर्ड बॉय, जब चरवाहे लड़के सेट ऑन द माउंट, माने जब टीले के ऊपर बैठते थे, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, तो जो ज्ञान की ज्योति थी, एंड जस्टिस, और जो न्याय था, वुड कम टू हिम, तो वो उनके पास आ जाता था। ये बिल्कुल सही है, जैसे वो विक्रमादित्य के सिंहासन के टीले के ऊपर बैठते थे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती थी। अगला, नो वन नोज, कोई नहीं जानता था द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, इस भारत में विक्रमादित्य का नाम कोई नहीं जानता था। ये बिल्कुल गलत है, ये आपका होगा फाल्स। अगला है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन, वाज ए स्लैब ऑफ व्हाइट मार्बल, क्यों व्हाइट मार्बल का बना हुआ था, ये आपका गलत है, वो ब्लैक का बना हुआ था। अगला, विक्रमादित्य लव्ड एक्सपेरिमेंट, विक्रमादित्य को प्रयोगों से प्यार था, ये बिल्कुल गलत है, उनको प्रयोगों से कोई मतलब नहीं था। अगला, द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का जो खूबसूरत जगह थी, प्लेस था, स्टैंड इवन टूडे इन उज्जैन, ये आज भी वो कहाँ पर है, उज्जैन में है, बिल्कुल सही है ये आपका। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन, वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल, 25 देवदूतों के हाथ में था, तो ये आपका दूसरा नंबर सही है। लेकिन पहले हम देखिए एक बार, द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड इवन टू डेज, आज भी नहीं उज्जैन, वो अब नहीं है, कभी था, तो दूसरा सही है, पहला गलत है इसका। तीसरा, विक्रमादित्य लव्ड इनजस्टिस, विक्रमादित्य न्याय को प्यार नहीं करते थे, या कह सकते अन्याय को प्यार करते थे, ये आपका गलत होगा। द किंग ऑफ उज्जैन सेट एंड पोजिशन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य एट लास्ट, जो उज्जैन के राजा थे वो विक्रमादित्य के सिंहासन में एट लास्ट माने अंत में बैठ ही गए, ये भी आपका गलत होगा, वो नहीं बैठ पाए थे और लास्ट देवदूत उसको लेकर स्वर्ग में चला गया था। अगला है, विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, विक्रमादित्य इस इतिहास के महान राजा नहीं थे, ये आपका गलत है, उनकी गिनती महान राजाओं में ही होती थी न्याय को लेकर। अगला था, विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, ये बिल्कुल सही, उज्जैन के राजा थे। अगला, द स्टोन एंजल अलाउड द किंग टू सेट ऑन द जज माउंट, जो स्टोन एंजल माने पत्थर के जो देवदूत थे, उन्होंने राजा को सीट में बैठने की अनुमति दे दी, बिल्कुल नहीं दी थी उन्होंने, उन्होंने ही मना किया था। लास्ट है आपका इसमें, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड द इनोसेंट पीपल, विक्रमादित्य हमेशा सही लोगों को गर्दन देते थे, ये गलत है, उन्होंने कभी भी सही लोगों को दंड नहीं दिया। अगला है, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य, जो दिल्ली है वो राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी, नहीं थी। अगला, द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, ये आपका सही होगा, ये एक बार पहले भी हो चुका है। अगला है, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा एट लास्ट मंथ में सेट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, राजा के सिंहासन में बैठ गए, ये आपका गलत है, नहीं बैठ पाए थे। चौथा है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव, राजा विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए, ये आपका बिल्कुल सही होगा, कभी नहीं धोखा खाए। अगला है, विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए सभी जगह प्रसिद्ध थे, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिड नॉट डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन इस धरती से कभी भी गायब नहीं हुआ, ये आपका गलत है। अगला, विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज लर्निंग, विक्रमादित्य अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, नहीं सॉरी, विक्रमादित्य इज फेमस माने प्रसिद्ध थे फॉर हिज लर्निंग, माने अपने अध्यात्मिक ज्ञान के लिए, बिल्कुल सही है ये बात। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज लेइंग
बर्ड इन द पास्चर, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य भी थी, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन वो पास्चर माने जो घास के मैदान थे उनके नीचे दबा हुआ था, ये गलत है, और टीले के रूप में था वो यहाँ पर। अगला है, किंग विक्रमादित्य इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज लव ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग, राजा विक्रमादित्य इज रिमेम्बर्ड माने याद दिलाते थे, फॉर हिज लव माने अपना प्रेम, एंड जस्टिस माने न्याय, एंड लर्निंग माने और शिक्षा के बारे में, बिल्कुल है, ये सब वो हमेशा याद दिलाते लोगों को। अगला है, विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य न्याय और शिक्षा को महत्व देते थे, ये सही है। अगला है, किंग विक्रमादित्य डिड जस्टिस, राजा विक्रमादित्य हमेशा न्याय करते थे, अभी आपका सही है। अब इसी के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला द सेफ, इसमें हम लोग सिर्फ उत्तर की तरफ देखेंगे। द सेफर्ड बॉय सेटिंग ऑन द माउंट लुक्ड चेंज्ड बिकॉज, जैसे वो चारवाह लड़का उस टीले के ऊपर बैठता था उसमें चेंज होते थे, क्या चेंज होते थे, देखिए चार दिए गए, इसमें से आपको सी नंबर सही होगा, गॉड द स्पिरिट माने उसके अंतर्गत एक स्पिरिट माने भावना जागृत होती थी, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान की, एंड जस्टिस माने न्याय की भावना जागृत होती थी। अगला था, लेबोरियस डग ऑफ ए ब्लैक ऑफ मार्बल स्लैब सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग्स ऑफ स्टोन एंजल नंबरिंग, जिसने एक ही जो लास्ट में बचा था देवदूत, जिसने अपने पंखों में उसको रख के संभाल के रखा था, वो कौन से नंबर का देवदूत था, वो था आखिरी देवदूत 25। अगला, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन किसका बना था, इस सैंड का बना था, सिल्वर का बना था, आयरन का बना था, स्टोन का बना था, ये पत्थरों का बना हुआ था, ये पर डी नंबर सही होगा। चौथा, द विक्रम संवत वोज इट्स ओरिजिन, विक्रम संवत का जो उदय हुआ था वो कब से हुआ था, विक्रमादित्य के समय से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला पांचवा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड ऑफ, राजा विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन कहाँ था, उज्जैन में था। अगला, द गर्ल्टी ट्रम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, जो अपराधी थे वो विक्रमादित्य के सामने जाने थे कांपते थे, क्यों, क्योंकि ही वाज इंटेलिजेंट इनफ, वो पर्याप्त बुद्धिमान था, टू डिस्कवर दियर गर्ल्ट, मैंने उनके अपराधों को पकड़ने के लिए वो पर्याप्त बुद्धिमान थे। देखिए अगला कितना महत्वपूर्ण, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के राजा कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उस न्याय के सिंहासन नहीं बैठ पाए, क्योंकि क्यों नहीं बैठे थे, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा हिमसेल्फ अनवर्दली ऑफ इट, कि वह व्यक्ति इस सिंहासन के योग्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा सी सही हो जाएगा। अगला, किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, राजा विक्रमादित्य प्रसिद्ध थे, किसमें प्रसिद्ध थे, जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय के लिए प्रसिद्ध थे और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, द एंगल आस्क्ड द किंग, एक देवदूत ने राजा से कहा टू गो द फास्ट एंड प्रे फॉर 3 डेज सो दैट, कि वह वहां से जाएं और अपना व्रत रखें, गो एंड फास्ट में व्रत रखें एंड प्रे 3 डेज और तीन दिन तक प्रार्थना करें, तो द किंग माइट प्योरीफाई हिमसेल्फ, तो राजा ने अपने आप को पवित्र करने के लिए एंड बी वर्दली और अच्छा सिद्ध करने के लिए टू सेन ऑन द थ्रोन, ने उस सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाने के लिए ये सब किया था। अगला आपका, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द प्लेस एंड फॉरेस्ट फोर्ट्रीज और विक्रमादित्य वेयर, मतलब समय के गुजरने के बाद राजा विक्रमादित्य का किला और उनका जो मकान था वो कैसा हो गया, ज्यून्ड बने एकदम बर्बाद हो गया था। अगला, एट लास्ट द लेबोरियस फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, ये था आपको 25 स्टोन एंगल था। अगला है, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, राजा विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए, क्योंकि ही वुड सी स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो सीधे उनके अपराध को पकड़ लेते थे। अगला 13वां नंबर, द एंगल टुक द जजमेंट सीट ऑफ, जो एंजल था देवदूत था वो उस जजमेंट सीट को लेकर कहाँ गया था, द स्काई माने आकाश में उड़ गया था।
ये थे आपके दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आपके 4 नंबर के अल्टरनेटिव हो गए और 4 नंबर के आपके इसके पहले जो प्रश्न दिए गए थे सही और गलत के निशान लगाओ। ये 8 नंबर के हैं, एक तरीके से ये आने की पूरी संभावना कि इसके ऊपर पेपर नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।